पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। झाबुआ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोबाइल टावर पर चढ़ा दिव्यांग, कलेक्ट्रेट परिसर में लगे टावर पर एक दिव्यांग चढ़ गया, रोजगार के लिए जमीन की मांग कर रहा है। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, दिव्यांग ने 5 घंटों की प्रशासन को मोहलत दी है, सुनवाई न होने पर आत्महत्या की धमकी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर झाबुआ से आपको बता रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में एक रहा है मोबाइल टावर पर चढ़ा हुआ, ये शख्स अपाहिज है, दिव्यांग है और मोबाइल टावर पर चढ़ के इसने सरकार से प्रशासन से गुहार लगाई है कि काम करने के लिए उसे जमीन दी जाए और इसी की मांग को लेकर टावर पर चढ़ गया है ये दिव्यांग व्यक्ति। तो रोजगार के लिए जमीन की मांग कर रहा है ये शख्स जो टावर पर चढ़ गया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कलेक्ट्रेट परिसर में एक टावर लगा हुआ है और इस टावर पर ये शख्स सवार हुआ। उसके बाद जब इसको समझाया गया तो 5 घंटे की मोहलत इसने दी है और इसने कहा है कि 5 घंटे में अगर कोई जवाब मुझे नहीं दिया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। कलेक्ट्रेट परिसर में लगे टावर पर दिव्यांग शख्स चढ़ गया, रोजगार के लिए जमीन की मांग कर रहा है ये शख्स। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां झाबुआ में कलेक्ट्रेट ऑफिस के टावर में ये शख्स चढ़कर बैठ गया है और आत्महत्या करने की धमकी दी है। 5 घंटे की मोहलत दी है इसने प्रशासन को और कहा 5 घंटे में अगर जमीन नहीं दी मुझे तो मैं कूद के आत्महत्या कर लूंगा। भूपेंद्र बरमंडलिया हमारे सहयोगी झाबुआ से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, एक शख्स जो है वो टावर पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है, इसके पीछे की क्या कहानी है जानना चाहेंगे आपसे। मैं बताना चाहूंगा कि झाबुआ जिले का घटना है सामने आई है, जहाँ पर एक भूमि को लेकर बार बार कलेक्टर ऑफिस चक्कर काटते हुए परेशान हो गया था। उसके चलते दिव्यांग ने अपना ऐसा कदम उठाया गया जो कि मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। मोबाइल दिव्यांग का कहना है कि हमें 5 घंटे में प्रशासन को इसने सुनवाई के लिए आत्महत्या की धमकी दी है कि 5 घंटे में हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आत्महत्या की जाएगी। इस पूरे मामले में कलेक्ट्रेट परिसर में जो अफसर मौजूद है उनका क्या कहना है? कहना है कि अभी उनकी समझाने की बात चल रही है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।